18 अगस्त 1973, टेक्सास घूमने आए 5 लोगों पे एक अज्ञात आदमी द्वारा बहुत ही बेरहमी से हमला होता है, जिनमें 4 लोग मारे जाते हैं और उन्हें चैन सो के द्वारा मारा गया होता है, जिसमें एक लड़की बच जाती है जिसका नाम सैली हार्डेस्टी होता है। ये न्यूज़ शॉप में खड़ी एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम लीला होता है। वो लड़की उस शॉप से कुछ सामान खरीदती है और बिलिंग करवा रही होती है, तभी उसकी नज़र सैली हार्डेस्टी की फ़ोटो पे पड़ती है। लीला उस शॉप ओनर से सैली हार्डेस्टी के बारे में पूछती है। ओनर बताता है कि सैली टेक्सास में ही है और वो 50 साल से इस लेदर फेस को ढूंढ रही है जिसने सैली की दोस्तों की जान ली थी। तभी वहाँ लीली की बहन मेलोडी भी वहाँ आ जाती है और दोनों शॉप के बाहर चले जाते हैं। मेलोडी के साथ उसके दोस्त भी होते हैं जिसका नाम रूथ और डेंटे होता है। रूथ और डेंटे बहुत ही जल्द शादी करने वाले होते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से एक बंदा उतरता है जिसके पास एक गन होती है और उसका नाम रिचर्ड होता है। मेलोडी उसके तरफ एक कॉमेंट करती है। वो कहती है कि आजकल के कुछ लोग गन रखकर मर्दानगी दिखाते हैं। रिचर्ड उसकी बातें सुन रहा होता है। रिचर्ड कहता है कि इस इलाके में जंगली सुअरों की तादाद ज़्यादा है और उन्हें मारने का काम मेरा है। ये सभी लोग टेक्सास के एक छोटे से टाउन हार्लो जा रहे होते हैं। ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तभी हार्लो शहर के कुछ पुलिस वाले इनकी कार को रोकते हैं। पुलिस वाले इनकी इंक्वायरी करते हैं, जहां डेंटे बताता है कि वो एक सेफ है और वो हार्लो में एक अपना होटल खोल रहा है। वो पुलिस वाला डेंटे को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। ये कहकर वो उन्हें जाने देता है। वे सभी लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं। दरअसल उस टाउन की आबादी बहुत ही कम होती है। कुछ लोग तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वहां से चले गए होते हैं। ये लोग वहां पहुंचकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी उन्हें वहां रिचर्ड दिखाई देता है। दरअसल डेंटे को अपनी होटल खोलने के लिए जो जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है उसमें से एक प्रॉपर्टी रिचर्ड की भी होती है। रिचर्ड कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी करना है तुम लोग करो, बस मुझे मेरी प्रॉपर्टी के पैसे मिल जाने चाहिए। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक घर की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा होता है। ये लोग उस घर की तरफ देखते हैं जिस घर पर एक फ्लैग लगा होता है। डेंटे कहता है कि हमें इस फ्लैग को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो हमारे इन्वेस्टर हमें पैसे देने से मना कर देंगे। मेलोडी और डेंटे उस फ्लैग को हटाने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं। डेंटे उस फ्लैग को हटाने के लिए उस सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाता है। डेंटे एक विंडो के रास्ते उस फ्लैग को निकालने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाता। उधर मेलोडी कुछ फोटोग्राफ्स देख रही होती है जिसमें कई सारे बच्चे होते हैं और उन बच्चों के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। डेंटे वापस नीचे मेलोडी के पास आता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। दरअसल वो उस घर की ओनर होती है। उस औरत को अचानक देख दोनों डर जाते हैं। उस औरत के हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। दरअसल उस औरत को सांस की बीमारी होती है। वो औरत उनसे उनके बारे में पूछती है। डेंटे उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो औरत इनसे जूस के लिए पूछती है। डेंटे उस औरत से कहता है कि ये घर तो बैंक के कब्जे में है, फिर आपको यहाँ नहीं होना चाहिए और हम लोग इस घर को खरीद रहे हैं। वो औरत कहती है कि मैंने बैंक से जितने भी लोन लिए थे उसके सारे पैसे मैंने भर दिए हैं। वो औरत कहती है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ अनाथालय चला रही हूँ और मैंने तुम जैसे कई सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस वजह से मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। डेंटे कहता है कि बैंक भला हमसे झूठ क्यों बोलेगा, आप अपने घर के कागजात मुझे दिखा दीजिए। वो औरत उन कागजात को दिखाने से मना कर देती है, जिससे डेंटे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अब तो आपसे पुलिस ही निपटेगी। वो औरत मेलोडी से पूरे दुखी मन से कहती है कि ये घर मेरा है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं हमेशा से यहाँ रही हूँ। उनकी बातें सुनकर उस औरत का लड़का वहाँ आता है जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से कहती है कि बेटा यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। वो औरत कहती है कि ये मेरा आखिरी लड़का है और इसे खास देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तभी वहाँ उस शहर के पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे औरत देखकर मेलोडी से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों पुलिस वाले उस औरत को घर से बाहर ले जाते हैं। ये सदमा औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है।
तभी उस औरत का बेटा वहां आता है और अपनी माँ को गोद में उठा लेता है और पुलिस वैन में ले जाता है। मेलोडी देखती है कि उनके इन्वेस्टर उस शहर में आ गए होते हैं। मेलोडी उस बूढ़ी औरत के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। रूथ मेलोडी को हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है और इन्वेस्टर के पास जाने के लिए कहती है। डेंटे रूथ को अपना और उस औरत का ख्याल रखने के लिए बोलता है। उस बूढ़ी औरत का लड़का मेलोडी की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। इन्वेस्टर्स उस जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं और पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर उस औरत की हालत बिगड़ने लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती। रूथ अपने दोस्तों को मैसेज कर देती है। उस औरत का लड़का ऑक्सीजन मास्क को बार बार अपने माँ के मुँह पे लगाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर को जोर जोर से हिलाने लगता है। वहाँ पे बैठा पुलिस वाला उसको शांत कराने की कोशिश करता है। वो आदमी उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता है और उसकी हाथ को तोड़ देता है। रूथ ये सब देख बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। वो पुलिस वाला अपने बचाव के लिए अपनी पिस्टल को निकालता है, जिस पिस्टल से आगे बैठे गाड़ी में उस ऑफिसर को गोली लग जाती है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और खेत में रखे एक कंपाउंड से जाकर टकरा जाती है। इधर लीला और रिचर्ड आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी लीला का ध्यान वहाँ एक टेबल पर पड़ी गन की तरफ जाता है। रिचर्ड उस गन को लीला को चलाने के लिए देता है। लीला उस गन को हाथ में लेती है लेकिन डर के मारे उस गन को वहीं वापस रख देती है। मेलोडी अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें रूथ का मैसेज आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है। मेलोडी ये मैसेज देख बहुत घबरा जाती है। वो ये मैसेज डेंटे को भी दिखाती है। मेलोडी वो मैसेज डेंटे को दिखाती है पर डेंटे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर मेलोडी को बहुत अफसोस होता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये घर उस औरत का ही तो नहीं था। हो सकता है कि उस औरत ने बैंक के सारे लोन भर दिए हों। उसकी मौत हमारे वजह से हुई है। मैं अपने बहन को लेकर यहाँ से वापस जा रही हूँ। ये कहते हुए मेलोडी उस बस से बाहर चली जाती है। उधर रूथ को होश आता है। वो अपने पास इंस्पेक्टर को देखती है जो कि मर चुका होता है। वो पीछे देखती है, पीछे बैठा हुआ ऑफिसर भी मर चुका होता है, पर वहाँ उस लेडी की बॉडी और वो आदमी वहाँ पर नहीं होते। वो उस गाड़ी के मिरर में देखती है। वो देखती है कि पीछे उस औरत की बॉडी के पास वो आदमी बैठा हुआ है। रूथ उस गाड़ी में पड़े वायरलेस के जरिए वो किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। रूथ देखती है कि वो आदमी उस औरत की बॉडी की स्किन को काट रहा होता है। वो ये सब देखकर और भी ज़्यादा डर जाती है और वायरलेस पे सब कुछ बता रही होती है। हम देखते हैं कि वो आदमी उस औरत के चेहरे के स्किन को काट कर वो अपने ही चेहरे पे पहन लेता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल यही आदमी होता है जो लेदर फेस होता है। इसी ने 50 साल पहले कुछ लोगों की बहुत ही बेरहमी से हत्या की थी। इसी लेदर फेस ने सैली हार्डेस्टी की दोस्तों की भी जान ली थी। हम उस शॉप को देखते हैं जहाँ पर एक रेडियो होता है, जो शॉप का ऑनर रूथ की सारी बातें सुन रहा होता है। अचानक रूथ के पास बैठे हुए ऑफिसर को होश आने लगता है। रूथ उसे जगाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ लेदर फेस आ जाता है। लेदर फेस उस ऑफिसर को ऑक्सीजन सिलेंडर से मारता है, जिससे उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। रूथ बहुत डरी होती है। वो धीरे धीरे अपने सीट बेल्ट को खोलती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो विंडो के रास्ते निकलती है और वो अपने आसपास देखती है जहाँ लेदर फेस नहीं होता। रूथ विंडो से निकल ही रही होती है, तभी उसकी नज़र पीछे वाली विंडो पे जाती है जहाँ पर वो लेदर फेस खड़ा होता है। वो लेदर फेस उसको अपनी तरफ खींचता है और एक कांच के टुकड़े से उसके शरीर को काट देता है, जिससे रूथ की वहीं मौत हो जाती है। लेदर फेस वापस अपने घर चला जाता है। हम उस टाउन को देखते हैं जहाँ पे आए हुए लोग आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। वो बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों के वजह से उस औरत की जान गई है। अब ये गाड़ी की चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उस घर के कागजात मुझे दिखाओगे। डेंटे उस घर के पेपर्स ढूंढता है पर वो पेपर उसके बैग में नहीं होते। मेलोडी को उस डेंटे पे शक होता है। डेंटे बहाने बनाने लगता है। मेलोडी कहती है कि चलो उस औरत के घर में चल के उसके पेपर्स ढूंढते हैं। उधर शॉप का ओनर सैली हार्डेस्टी को कॉल करता है और उसे सारी बातें बता देता है। सैली ये बात सुनकर उस लेदर फेस को मारने के लिए निकल पड़ती है। डेंटे और मेलोडी उस औरत के घर में जाते हैं और घर के पेपर ढूंढने के लिए अलग अलग कमरे की तलाशी लेते हैं। मेलोडी उस औरत के कमरे में जाती है जहां उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को ओपन करती है जिसमें घर के कागजात होते हैं।
वो उन पेपर्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो घर अभी भी उस औरत के नाम पे होता है और उसने बैंक के सारे लोन भर दिए होते हैं। ये जानकर उसे बहुत अफसोस होता है और वो खुद पे गुस्सा करती है। तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ आती है। डेंटे को भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो ये चेक करने के लिए उस घर के किचन में जाता है। जब डेंटे पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ लेदर फेस खड़ा होता है और वो डेंटे पर हमला कर देता है। डेंटे के शरीर पर बहुत सारा खून लगा होता है और वो लड़खड़ाते हुए उस घर के फर्श पर गिर जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मेलोडी ये सब देख लेती है और उस बूढ़ी औरत के कमरे में रखे कबाड़ में जाकर छिप जाती है। मेलोडी बहुत डरी होती है। तभी उस कमरे में लेदर फेस आ जाता है। लेदर फेस कबाड़ को खोलता है और उसमें रखे अपने माँ के कपड़े को निकालता है। मेलोडी देखती है कि लेदर फेस उसके कपड़े को लेकर उसको याद करता है और काफ़ी रोता है। लेदर फेस गुस्से से खिड़की से बाहर उन सभी लोगों को देख रहा होता है। तभी वहां बारिश आ जाती है। वे सभी लोग बस के अंदर चले जाते हैं। मेलोडी उस कमरे की खिड़की से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। तभी उस कमरे में लेदर फेस आ जाता है, जिससे डर कर वो एक बेड के नीचे छिप जाती है। लेदर फेस के हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिससे उस कमरे की दीवार को तोड़ रहा होता है। तभी डेंटे को होश आता है और वो लड़खड़ाते हुए उस घर से बाहर चला जाता है। रिचर्ड डेंटे को वहां से जाता हुआ देखता है। वो उसके पीछे जाता है और उसे आवाज़ देता है। डेंटे पीछे मुड़ता है, जिसे देख चार्ली डर जाता है। तभी वहां डेंटे की इन्वेस्टर भी आ जाती है। वो डेंटे का कटा हुआ चेहरा देखकर बहुत डर जाती है। रिचर्ड डेंटे को संभालने की कोशिश करता है, पर डेंटे की मौत हो जाती है। रिचर्ड उस इन्वेस्टर को वापस बस में जाने के लिए कहता है और अपनी गन लेकर उस घर की तरफ जाता है। लेदर फेस उस दीवार को तोड़कर उसमें रखे चैन सो को बाहर निकालता है। रिचर्ड धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है। लेदर फेस और मेलोडी को किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे लेदर फेस उस कमरे के दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाता है। क्योंकि मेलोडी कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए वहां पड़े एक मिरर को उस लेदर फेस की तरफ मोड़ती है, जिससे रिचर्ड उस लेदर फेस को देख लेता है। तभी वो लेदर फेस अचानक रिचर्ड पे हमला कर देता है। लेदर फेस और रिचर्ड में फाइट होती है। वो दोनों जाकर उस कमरे के एक विंडो में टकराते हैं, जिससे उस विंडो का कांच टूट जाता है। लेदर फेस रिचर्ड के सिर को उस कांच में दे मारता है, जिससे रिचर्ड का गला कट जाता है। रिचर्ड नीचे फर्श पे गिर जाता है, जहां पे मेलोडी को देखता है और उसे उसकी बस की चाबी दे देता है। लेदर फेस एक हथौड़े से रिचर्ड के सिर को बुरी तरह से कुचल देता है। लिली उस इन्वेस्टर से वहां हुए हादसे के बारे में पूछती है, पर वो इन्वेस्टर उसे कुछ नहीं बताती। लिली अपने बहन को ढूंढने के लिए उस बस से बाहर चली जाती है। लेदर फेस उस कमरे से चला गया होता है तो मेलोडी उस चाबी को धीरे धीरे उठाती है और उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे जाती है। तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है, जो हथौड़े से उस पे हमला कर देता है, जिससे मेलोडी फर्श पे गिरती है। फर्श टूट जाती है और वो घर के नीचे चली जाती है। उसे वहाँ एक छोटा सा विंडो दिखाई देता है, जहाँ से वो लिली को आवाज़ देती है। तभी लिली वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से बचा लेती है। दोनों भागते हुए उस बस के अंदर चले आते हैं। मेलोडी उस ड्राइवर को चाबी देती है और उससे वहाँ से चलने के लिए कहती है। वो लोग बस लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उस बस में कोई दिक्कत आ जाती है, जिसे देखने के लिए ड्राइवर बस से नीचे उतरता है। इन्वेस्टर बस के बाहर देख रही होती है। तभी वहां पर अचानक ड्राइवर का सिर आकर गिरता है, जिसे देखकर इन्वेस्टर बहुत डर जाती है और वो बस के पीछे भागती है। लेदर फेस उस बस के अंदर आ जाता है। वहां पे मौजूद सभी लोगों को कुछ पता नहीं होता है। वो लेदर फेस का मजाक बनाते हैं और उसकी फोटो लेते हैं। तभी लेदर फेस अपने चैन सो से उन पे हमला कर देता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। मेलोडी और लीला उस बस में बने एक छोटे से केबिन में जाकर छुप जाते हैं। उन्हें उस केबिन के ऊपर एक विंडो दिखाई देता है। लेदर फेस बस में मौजूद सभी लोगों को मार देता है। मेलोडी और लीला उस विंडो की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है।
वे दोनों उस विंडो के रास्ते बस के ऊपर चले जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर सैली आ जाती है और उनसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहती है। सैली खड़ी होकर उस लेदर फेस को ध्यान से देख रही होती है। वो दोनों सैली को वहां से जाने के लिए कहते हैं। सैली कहती है कि जिसका मैं 50 साल से इंतजार कर रही हूं, उसको मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, उसको बिना मारे मैं यहां से नहीं जाने वाली। ये कहकर सैली उसके घर के तरफ जाने लगती है। तभी लेदर फेस उस गाड़ी के पास आ जाता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। उनकी चीखें सुनकर सैली वहां आ जाती है और लेदर फेस पे अपने गन से फायर करने लगती है। लेदर फेस को गोली लगती है और वो वहां से भाग जाता है। सैली उन दोनों को अपनी कार की चाबी देती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है और वो खुद उस लेदर फेस के पीछे चली जाती है। लेदर फेस अचानक सैली पर हमला कर देता है और उसे मार रहा होता है। तभी मेलोडी अपने गाड़ी से उस लेदर फेस को टक्कर मारती है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होता है और वो गाड़ी एक घर के अंदर चली जाती है। वो गाड़ी उस घर के दीवार से जाकर टकराती है, जिससे मेलोडी के पैर में एक रोड चला जाता है। लीला उस रोड को निकालने की कोशिश करती है, पर मेलोडी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लीला वहां से चली जाती है। तभी वहां पर लेदर फेस आता है और वो मेलोडी को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां लीला आ जाती है। लेदर फेस लीला पे हमला करता है। वो लीला को मारने ही वाला होता है कि तभी सैली अपने गन से उसको शूट करती है, जिससे लेदर फेस एक घर में जाकर छिप जाता है। सैली घायल होती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लीला उसकी गन को उठाती है और लेदर फेस को मारने के लिए उसके पीछे उस घर में चली जाती है। लेदर फेस लीला पर अचानक से हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी वहां मेलोडी आ जाती है, वो लेदर फेस से लड़ने लगती है। तभी लीला मौका देखकर गन को उठाती है और उस लेदर फेस को शूट करने लगती है। लेदर फेस काफी घायल हो जाता है। तभी मेलोडी उस चैन सो से उस पर हमला करती है और उसे मार डालती है। अब दोनों अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी को ऑटो पायलट मोड में डालकर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी लेदर फेस आता है और मेलोडी को उस गाड़ी से बाहर खींच लेता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।